हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वीडियो हम बनाने लगे हैं आज तलहार मंडी में, जो कि हम सिर्फ बनाएंगे जो अभी ताज़ी दो दांत हुई हैं, अभी तक लगी नहीं है, या चंद एक लगी हुई अभी हो सकती हैं, लेकिन जो अभी कच्ची हैं भैंसें, यानी जो अभी तैयार ही हुई हैं, अभी लगने के लिए तैयार हुई हैं, ये वीडियो उनके लिए होगी सिर्फ और सिर्फ। मेरी कोशिश ये होती है कि हर वीडियो की अलग अलग कैटेगरी कर दूँ। एक अगर मैं बकरियों की बना रहा हूँ तो सिर्फ बकरियों की बनाता हूँ, और अगर बकरों के बच्चों की अगर बना रहा हूँ तो सिर्फ बच्चों की बनाता हूँ, या सिर्फ भैंस की, या सिर्फ गाय की, या सिर्फ चांदबैल की, या सिर्फ चांदबैल के बच्चों के। तो ये हमारी वीडियो होगी जो अभी तैयार हुई है, दो दांत की अभी हुई हैं, उनके हवाले से वीडियो की देखते हैं कि उनके क्या रेट है। चलिए इनसे बात करते हैं सबसे पहले। तो बात करने से पहले मैं आप सबसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, ये उम्र क्या है इसकी, इन दोनों की? चार दांत है ये अभी लगी नहीं है। अच्छा, क्या मांग रहे हो जोड़ी का? 3.5 जोड़ी का। कौन सी नस्ल है ये, सिंधी वो बदीन है या दूसरी है? बदीन। ये भी अपने तीनों माल मांगो ना। अच्छा, ये कितने दांत में? अच्छा, ये अभी लगी नहीं है। इनके क्या मांग रहे हो, इसका और उसका जोड़ी का बता दो, ये अलग बताना। अच्छा, वो और इसका बीच वाली का 1.5, ठीक है, माशाल्लाह। सही, आपका नाम? अकरम। अकरम भाई कहाँ से आए? यहीं कहीं है, ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। ये दो ट्याणे हैं, सिंधी में ट्याण कहते हैं, उर्दू में चोटी कहते हैं, पंजाबी में। तो ये भी मुझे चार दांत लग रही हैं, देखते हैं कि क्या है, लेकिन अभी तक लगी नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम सही, क्या मांग रहे हो इसका जोड़ी का? ये 5 लाख मूल का है। अच्छा, अभी लगी नहीं है ये? नहीं, लगी नहीं है। अच्छा, कौन सी नस्ल है ये? ये बदीन की है। बदीन नस्ल है ये, ठीक है। आप देखें, माशाल्लाह अच्छी सेहत अच्छी है इनकी। और ये भी हैं, ये चार दाने इनके पास। कितने दांत में है ये? ये चार दांत के चारों। अच्छा, क्या मांग रहे हो, इस जोड़ी का बताना अलग और इस जोड़ी का अलग। 1.40 का पुटा है, यानी कि 3 लाख रुपए। ये 1.60 लाख, यानी कि 3.25, ठीक है, सही है। ये 3, ये 3.5 की जोड़ी है, ये 3 की जोड़ी है, ठीक है, कि ये 4.5 दांत है, ठीक है जी। ये भी चोटियां हैं, सिंधी में ट्याण कहते हैं, उर्दू पंजाबी में हम चोटियां कहते हैं। तो देखते हैं इसके क्या रेट मांग रहे हैं ये इनके पास काफ़ी सारे दाने, आप व्यू देख लें, फिर उसके पास जाऊंगा, कान में बताते हैं, तो इस वजह से जो है वो करीब जाना पड़ेगा मुझे इसके। यहाँ से भी आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम, ये सारे अपने हीट है, पांच जान बस। क्या मांग रहे हो तीनों का? जावेद है, सर ये नस्ल कौन सी है? ये बदीन का नस्ल है। बदीन नस्ल है जी, जी। कितने दांत में? ये 4 दांत। ये 4 दांत है। अच्छा, क्या मांग रहे हो इसके? 1.30, इसके 1.20, हाँ, इसके 1.5 मांग रहे। आखिर वाले का 1.5 मांग रहे, ठीक है। अभी लगी नहीं है ये, या लगी? अच्छा, यानी कंफर्म नहीं है? कंफर्म पूरा, लग जाएंगे कच्चे, ठीक भाई साहब। ये इस जोड़ी ये 4 दांत है ये भी? जी हाँ, 4 दांत, ठीक है। अच्छा, इसकी जोड़ी का क्या मांग रहे? जोड़ी के 3 लाख मांग रहे। 3 लाख, और इस जोड़ी का? इसके भी 3। इसके भी 3, ये सारे 4-4 हैं। कोई लगी हुई है इनमें से? नहीं लगी हुई। और ये अस्सलाम वालेकुम
ये एक है, तीनों है। अच्छा, चार दांत है? दो दो दांत। दो दो, ये सारी दो दो दांत है। ठीक है, क्या मांग रहे हो? लग दस। ये एक दस की, बाकी दो दोनों एक तीस तीस की। ठीक है, अभी लगी हुई है? ये एक लगी हुई है, बाकी वो दो नहीं लगी हुई। अच्छा, लगी हुई का रेट कम है क्यों? ये नस्ल कौन सी है? 41। अच्छा, 41 है, सही। कितना टाइम की लगी हुई है तब पता है? कितने महीने हो गए? दो ढाई हुए होंगे। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं कि पीछे में एक मैंने सिर्फ जो एक दो पेट सूख गई हैं और नई नई सुई हैं दो चार दिन, उनकी भी वीडियो बनाई है, उनके रेट भी आप देख सकते हैं। और ये जो मैं इस वीडियो के अंदर जो रेट आ रहे हैं, कोई चार दांत है, कोई दो दांत है, उनके भी रेट आप देख सकते हैं। लेकिन लगी हुई कोई भी नहीं है इनमें से, सिर्फ एक लगी हुई थी और वो भी ये वाली है। ठीक है सर, क्या मांग रहे हैं इसके? कितने दांत में? नहीं, आप बता दो एतबार। चार 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 है। क्या रेट है? डेढ़ है। दो दांत है, चार है? चार। ठीक है। अच्छा, लगी हुई तो नहीं है ना? खाली है। ठीक है भाई, बहुत सारी भैंसें, हर एक का रेट मालूम करना जो है ना वो भाई एक अंदाज़ा हो जाता है हमें एक वीडियो देखकर। तो ये आज का रेट है, तो आगे मंडी में देखते हैं क्या रेट होता है। चलिए, वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक अच्छी भैंसों का रेट आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।